यार आप सबसे ना दिल खोल के एक दरख्वास्त है बहुत दिल से कि प्लीज़ जिस पे मीम बनाने बनाओ, गाली देनी है गाली दो, मुझ पे बनाने मुझ पे बनाओ, मुझको गाली दो, पर उनके घर वालों को उनके घर वालों के पेजेस पे उनके बच्चों को वहाँ पर मत जाओ यार। फिर समझाने का क्या फ़ायदा, अगर आप भी गाली दे के ही समझा रहे हो तो फिर फ़र्क क्या है। तो आप दो मीम बनाओ यार, मज़े आ रहे हैं कुछ को तो देखने में, मुझे भी मज़े आ रहे हैं, शायद उनको भी आ रहे होंगे जिन पर मीम बन रहे हैं। पर वो जो घर वालों पर चले आते हैं ना, उनकी छोटी सी बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को क्या पता यार, 1.5 साल की है तो उसको गाली दे रहे हो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप नेशनल टीवी पे गाली देते हो, उन्होंने भी गाली दी है, बाकी सब ने गाली दी है। तो देखो उन्होंने गाली दी है तो आप उनको गाली दो, मुझको गाली दो, पर फैमिली मेंबर्स ने तो नहीं दी ना, तो फैमिली मेंबर्स को बाहर रखो। दैट इज़ अ लॉजिकल पॉइंट आई एम सेइंग। आप लगे रहो यार मस्ती। रफ्तार एक चीज़ नहीं बोलेंगे जो मैं बताना चाहता हूँ कि, और यही समझ के लोगों को रुक जाना चाहिए कि रोडीज़ की हिस्ट्री रही है कि वो गाली के दम पे ही चला है मैक्सिमम सोल, और उसी की वजह से हिट भी रहा है। लोग देखते हैं कि हाँ ब्लेटेंट है, रियल है, रियलिटी शो है, गाली गलौज बहुत होती है, मारपीट है सब, उस वजह से यूथ का रिटेंशन ज़्यादातर रहा है। लेकिन अब क्या है कि वो रघु राजी पे जाने के बाद वो बात नहीं रही है, तो उसको चलाने के लिए, उसको घसीटने के लिए लोग ज़बरदस्ती की गालियाँ देते हैं, और ये स्क्रिप्टेड होता है और उसके लिए इनको पैसे मिलते हैं, और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो भी पहले से सेट होते हैं कि कौन कौन लिए जाएंगे, कौन क्या बोलेगा तो उसको क्या सुनने को मिलेगा, सब प्लान्ड होता है। तो इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, जनता को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि दोनों पार्टी को पैसा मिल रहा है और किसी को फेम भी मिल रहा है, तो कोई रुकने वाला नहीं है। लोग ऐसी फालतू बातें बोलेंगे, अभी तो कुछ नहीं, लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें बोली होंगी अगर आप रोडीज़ का पुराना इतिहास उठा के देख लें तो करो मीम बनाओ, मज़े लो, सबको मज़े आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रफ्तार ने भी जैसा कहा, आपने सुना, उसको भी मज़ा आ रहा है, लेकिन बस ये है कि उसकी फैमिली तक मत जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।